हाँ तो तुम्हें पता है मेरे मित्र, अगर कोई तुम्हारे फ़ोन का जीमेल अकाउंट को हैक कर लेता है या अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेता है तुम्हारा जीमेल अकाउंट, तो वो आपके फ़ोन के साथ क्या क्या कर सकता है, आपके फ़ोन का क्या क्या जानकारी वो ले सकता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। वो आपके फ़ोन को पूरा रिसेट कर सकता है। हाँ, आपके पूरे फ़ोन को वो रिसेट मार सकता है, पूरा सब कुछ डिलीट कर सकता है और आपके फ़ोन का लोकेशन देख सकता है, आपका फ़ोन का गूगल हिस्ट्री, क्रोम हिस्ट्री और आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ है गूगल फ़ोटो में वो देख सकता है। अगर आपने जीमेल अकाउंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव भी करके रखा है किसी का भी, तो वो भी देख सकता है वो। तो जीमेल अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और अगर हो गया है तो कैसे पता कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर आपको पता था पहले से तो ये भी बताइएगा और लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है या अगर हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता कर सकते हो आप, ठीक है। किसी ने अगर आपका जीमेल अकाउंट को अपने फ़ोन में लॉगिन करके रखा होगा तो ये आपके जीमेल अकाउंट में पता चल जाएगा। तो पता करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट को पहले ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में राइट साइड में आपका प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन है सब यहाँ पर दिखेगा। तो अगर किसी भी अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया तो मतलब कि आपका फ़ोन वो सब कुछ कर सकते हैं आपके फ़ोन में, ठीक है, जो मैंने बताया पहले। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैनेज योर गूगल अकाउंट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, ये सब बहुत सारे सेटिंग मिलेंगे, लेकिन इधर कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे आना है, ठीक है। सिक्योरिटी पे आने के बाद आपको ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे योर डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे योर डिवाइस पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरा जीमेल अकाउंट कहाँ का लॉगिन है वो दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 7 Session 1 एंड्रॉयड फ़ोन, 1 Session 1 एंड्रॉयड डिवाइस, यहाँ पे उसके नीचे Xiaomi MI TV का लिखा हुआ है और नीचे विंडो लिखा हुआ है, मतलब कि टीवी में, विंडो में और फ़ोन में लॉगिन है मेरा जीमेल अकाउंट। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा और अगर है तो यहाँ पे दिखेगा। और आपको अगर पता करना है कि किसी और के फ़ोन में तो लॉगिन नहीं है तो आपको कैसे पता करना है वो देखो, यहाँ पे मैनेज ऑल डिवाइस पे क्लिक करना है, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर में तो आपका फ़ोन दिखेगा, मतलब कि जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन है, जो भी आपका फ़ोन का मॉडल है वो दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैलेक्सी M33 5G जो लिखा हुआ है ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में ये जीमेल अकाउंट लॉगिन है और मैं अभी इसी फ़ोन में देख रहा हूँ, ठीक है। योर करेंट सेशन यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे आप देख सकते हो Redmi 12C, ये जो लिखा हुआ आ रहा है Redmi 12C, मतलब कि ये किसी और का फ़ोन है लेकिन मेरा जीमेल अकाउंट उसमें लॉगिन है। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा अगर किसी और के भी फ़ोन में लॉगिन है आपका जीमेल अकाउंट। तो उसके नीचे आप देख सकते हो Oppo A33 दिख रहा है, ये भी मतलब कि दूसरा फ़ोन है। यहाँ पे जिस भी फ़ोन में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा उस फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, कौन सा कंपनी का है वो दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हो अगर आपको हटाना है तो कैसे हटाना है, ठीक है। यहाँ पे जिस भी फ़ोन का नाम दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर साइन आउट का, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका किसी और के फ़ोन में जीमेल अकाउंट है तो आप उसका लोकेशन भी पता कर सकते हो कि वो कहाँ पे है, मतलब कि उसका फ़ोन कहाँ है। अगर उसके फ़ोन में लोकेशन ऑन है तो आप पता कर सकते हो, और उसके फ़ोन में उसने आपका जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके कहाँ कहाँ यूज किया है वो भी दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हो हमने ब्राउज़र पे ऐप एंड सर्विसेज ये हमने उस फ़ोन में यूज किया है और कहाँ पे यूज किया देख सकते हो, राजस्थान इंडिया 2 Hours ago जो लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कि 2 घंटे पहले मेरे जीमेल अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी किया गया है, मतलब कि कुछ यूज़ किया गया है मेरे जीमेल अकाउंट से उसके फ़ोन में। और फर्स्ट साइन इन देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत सारे ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नहीं, बहुत सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके भी फ़ोन में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं अगर यहाँ पर फाइंड डिवाइस पर क्लिक करता हूँ तो अगर अभी उसका फ़ोन का लोकेशन चालू होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि वो फ़ोन कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो ये फ़ोन उसका चालू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोकेशन दिख रहा है सेम इसी जगह पे वो फ़ोन है, क्योंकि वो फ़ोन मेरा ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फ़ोन का बैटरी परसेंटेज दिख सकता है, मतलब कि आप देख सकते हो, और कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है आप देख सकते हो। उसके बाद प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर
अगर सिक्योर डिवाइस करते हो तो उस पर कोई भी अगर नोटिफिकेशन मैसेज भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, और फ़ोन उसका लॉक हो जाएगा, जो भी कुछ भी कर रहा होगा लॉक हो जाएगा, और जो भी आप लिख के वहाँ पर नोट डालोगे वो उसके स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट डिवाइस आप देख सकते हो, ये जो है बहुत ही जानकारी मतलब कि ख़तरनाक वाली चीज़ है। अगर किसी ने आपका जीमेल अकाउंट अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया तो उसने तो अपने फ़ायदे के लिए लॉगिन किया होगा, लेकिन आप उसके फ़ोन को रीसेट मार सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और अगर आपको हटाना है, आप कुछ नहीं करना चाहते उसके फ़ोन में, बस अपना जीमेल अकाउंट को सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको साइन आउट पे क्लिक करना है, उसके बाद उसके फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा आपका जीमेल अकाउंट, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद आपको जो ये सारे मेरे फ़ोन हैं इसलिए मैं किसी में लॉग आउट नहीं कर रहा, आपको कर लेना है। अगर कोई लग रहा है जैसे कि वो आप मेरा फ़ोन नहीं है, आपका फ़ोन नहीं है, लेकिन उसमें मेरा जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन है, तो आप हटा लो, ठीक है। उसके बाद आपका अपना पासवर्ड चेंज कर लो, पासवर्ड बहुत ज़रूरी है चेंज करना। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे किसी और के फ़ोन में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ तो पासवर्ड तुरंत चेंज करो, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप और कौन से सावधानी बरत सकते हो अपने जीमेल अकाउंट को सेव करने के लिए, ये देखो, ठीक है, इतना तो आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक बार पीछे आना है थोड़ा सा नीचे, मतलब कि यहीं पे अगल बगल आपको एक और ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का, ठीक है। आपको इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट को सेफ रखना है, किसी और के हाथ में जाने से बचाना है, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर कोई भी आपका जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना चाहेगा तो उससे पहले आपके फ़ोन के नंबर पर OTP आएगा, उसके बाद ही लॉगिन होगा वहाँ पर। अगर जीमेल अकाउंट भी आपने रिकवरी में ऐड करके रखा है तो जीमेल अकाउंट में भी आएगा, और अगर फ़ोन नंबर ऐड करके रखा है तो फ़ोन नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी था, मुझे लगा आप सबको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट करके बताइएगा, और बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हम अपने दूसरे वीडियो में दूसरे सेटिंग और दूसरे जुगाड़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप तुरंत देख पाओ, ठीक है। धन्यवाद।